लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुंबई कांग्रेस एक नई मुसीबत में फंसती दिख रही है। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। अब तक लोग दबी जुबान में संजय निरुपम को लेकर बात किया करते थे, लेकिन अब मामला थोड़ा आगे बढ़ गया है। मुंबई कांग्रेस के बड़े नेता अब सीधे तौर पर संजय निरुपम के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े करते दिख रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है मिलिंद देवरा का, जो राहुल गांधी के भी करीबी है। उनका कहना है कि जिस तरह से मुंबई कांग्रेस में संजय निरुपम काम कर रहे हैं उसको लेकर वो बिल्कुल नाखुश है। उनका यह कहना है कि राहुल गांधी एक तरफ देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुंबई कांग्रेस में एकता देखने को नहीं मिलती, जो चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए घातक है। मिलिंद देवरा का ये भी दावा है कि संजय निरुपम ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को पिछले 4 सालों में रन किया है, ऐसी स्थिति मुंबई में कभी देखने को नहीं मिली। संजय निरुपम के दबदबे को आप इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले 6 महीने में कांग्रेस नेतृत्व के पास मुंबई कांग्रेस के करीबन 6 अलग-अलग डेलीगेशन जा चुके हैं, जो संजय निरुपम के कामों से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कई बार कांग्रेस नेतृत्व को इस बात की शिकायत भी की, लेकिन अब तक विरोधियों को संजय निरुपम के खिलाफ कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्यों संजय निरुपम पर कार्रवाई नहीं हो पा रही? इतने बड़े बड़े नेताओं के विरोध के बावजूद क्यों यह संभव नहीं हो पा रहा? क्यों राहुल गांधी संजय निरुपम के पीछे खड़े दिखाई देते हैं? तो इसका जवाब यह है कि संजय निरुपम ने पिछले 4 सालों में लगातार विपक्ष में रहते हुए रास्ते पर उतरकर कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष किया है। फिर चाहे वो महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को घेरने का मसला हो या मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ रास्ते पर उतरकर आंदोलन करना, संजय निरुपम ने अकेले के दम पर ही कांग्रेस में जान फूंकने का काम भी पिछले 4 सालों में किया है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल मुख्यमंत्री फडणवीस के खिलाफ उतने आक्रामक भले ही नहीं दिखाई देते हो, चाहे जो भी वजह हो, लेकिन मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम कोई भी मौका हाथ से नहीं गवाते। मुख्यमंत्री फडणवीस पर सिडको घोटाले का आरोप लगाने वाले संजय निरुपम ही थे, और संजय निरुपम के आरोपों के बाद ही मुख्यमंत्री फडणवीस को इस मामले में जांच के आदेश भी देने पड़े। इतना ही नहीं तो जब राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पर मोदी सरकार और अनिल अंबानी को दिल्ली में घेरने की कोशिश की, तो मुंबई के रास्तों पर संजय निरुपम ने जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार के इस घोटाले का विरोध किया और लोगों तक राफेल का मसला पहुंचाने में जबरदस्त भूमिका निभाई। वही पेट्रोल और डीजल के भाव को लेकर जब लगातार विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा और भारत बंद करने का ऐलान किया, तो मुंबई में बंद को सफल बनाने में भी संजय निरुपम की अहम भूमिका थी। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब आंदोलनों में निरुपम के साथ देने के लिए मुंबई कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा पिछले 4 सालों में दिखाई नहीं दिया। फिर चाहे वो कृपाशंकर सिंह हो, मिलिंद देवरा हो या प्रिया दत्त, अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे नेता धीरे धीरे बाहर दिखाई देने और सुनाई देने भी लगे हैं। संजय निरुपम पर हमले का आधार बीएमसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिलना भी बताया जाता है। उस वक्त संजय निरुपम ने अपने करीबियों को भी जमकर टिकट बांटी, इस तरह का भी आरोप संजय निरुपम पर उस वक्त लगाया गया था। लेकिन हालात फिलहाल ऐसे नहीं है। विरोधी चाहे जितनी भी कोशिश करे संजय निरुपम को हटाने की, लेकिन उन्हें हटा पाना फिलहाल की स्थिति में मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी ने जल्दी अपने अंदरूनी मसले को नहीं सुलझाया, तो लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम भी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है।